हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कैब जर्मनी के रिगार्डिंग ऑनबोर्डिंग जो कि कैंसिल हुई है कि नहीं हुई है, ऑनबोर्डिंग का अपडेट होने वाले हैं, जो कि काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा ऑनबोर्डिंग डिले हो रही थी कैब जर्मनी की, अभी होने वाली है या फिर काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से होगी हमारी ऑनबोर्डिंग नहीं होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को गाइस डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ऑनबोर्डिंग की अपडेट क्या है प्रॉपर विथ प्रूफ के साथ में कि क्या होने वाला है, आप लोग की ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी। पहले मई जून में होने वाली थी, फिर अप्रैल मई में अपन, फिर मई जून में वो डिले हुई, फिर उसके बाद में सितंबर अप टू अगस्त में सेशन में भी जो मतलब डिले होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली सही है या गलत है? तो मई जून में होने वाली है ज्वाइनिंग की कैंसिल हो चुकी है। तो काफ़ी सारी आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हो रहे होंगे कि ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा हो, काफ़ी सारे आप लोग वीडियो देखेंगे, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आप लोगों को मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए चलते भी थ्रू के साथ में कैब जर्मनी के रिगार्डिंग एक मेल आया था रिसेंटली में कि दिस इज कीप यू इन्फॉर्म दैट ड्यू टू द अनप्रेसिडेंट बिजनेस कंडीशन दैट डेट ऑफ ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग कंपनी इज सेट टू बी फाइनलाइज फॉर द पोजिशन मैचिंग योर कैंडिडेटर प्रोफाइल, इट इज बिंग वर्कआउट एंड सब्सिक्वेंटली इट विल बी इन्फॉर्मड योर सुटेबल पॉइंट इन द टाइम। टिल देन वी एक्सेप्ट यू टू कीप पेशेंट इन स्पेयर टाइम, अपस्किल योर सेल्फ, गेन नॉलेज इन लाइन विद द करेंट आईटी इंडस्ट्री प्रैक्टिस एंड स्टे कंपिटेंट। 13 मार्च की आया था ये, ठीक है। ये थोड़ी ना कोई बात हुई कि आप लोग इतने टाइम से ऑनबोर्डिंग का डिले करा रहे हैं। अगर आप लोगों को ऑनबोर्डिंग डिले करनी ही नहीं थी तो इतने टाइम से जो कि इतनी फ्रेशर्स आप लोगों को स्टार्टिंग में ही डिले करना था कैब जर्मनी को, तो ये जो कंडीशन थी बिजनेस की वजह से आप लोगों की जो ऑनबोर्डिंग है जो कि डिले हो रही है, ज्वाइनिंग डिले हो रही है, तो जो कि पोजीशन मैचिंग नहीं हो रहा है कैंडिडेट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। तो इतना टाइम वेस्ट कराया, जो कि फ्रेशर स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे, वो और कहीं भी अप्लाई कर सकते थे। तो ये तो सीधी से कैब जर्मनी ने गलत बोला है वैसे कि टिल बी एफ टू कीप के पेशेंट्स एंड स्पेयर टाइम अप स्किल और सेल्फ। यार एक साल से क्या स्किल अप स्किल करें बोलोगे यार, इतना टाइम हो चुका है। यूनिवर्सिटी रिलेशन एंड हायरिंग टीम ने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, ऑनबोर्डिंग डिले करती जा रही है रिसेशन की वजह से। तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन क्लियरली दे दीजिए कि आप लोग की ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी, या फिर कैंसिल हो चुकी है ऑनबोर्डिंग या फिर नहीं होने वाली है इस ईयर, तो वो और भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस। और भी ये देखिए ऑनबोर्डिंग जो कि लास्ट मैं बता दूं, जो लास्ट आया था फरवरी मार्च में आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी ऑफर लेटर के रिगार्डिंग, और मई जून तक आप लोगों की ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। तो ये लास्ट इन्होंने मेल भेजा था, इसके पहले इन्होंने मेल भेजा था जनवरी और फरवरी तक आप लोगों के पास कम्युनिकेशन हो जाएगा ऑफर लेटर का, ऑफर लेटर आ जाएगा, और जो कि आपकी अप्रैल और मई में हो जाएगी। उसके पहले इन्होंने दिसंबर में भेजा था, यही रिसेंटली में 3 से 4 मेल इन्होंने रिसेंटली में सेंड किए थे जितने भी कैंडिडेट थे जो कि सिलेक्टेड हुए थे कैप जर्मनी एग्ज़ाम के लिए। तो उसके बाद में ये चलता चला आया, मई जून फरवरी मार्च अप्रैल ये भी सबका चलता चला है। तो आई होप गाइस आप लोग और भी अपॉर्चुनिटीज़ देख लीजिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि ऑनबोर्डिंग इतनी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, तो अब और भी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, इतनी सारी जॉब आ रही हैं, तो वहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा आई होप गाइस। और जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ जिसके भी हुआ होगा उनका ऑफर लेटर आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सपोर्ट तो बनाइए आप लोगों के लिए, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।